फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर सोनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फूड क्रेविंग। तो फूड क्रेविंग क्या है? एक इंटेंस डिजायर टुवर्ड्स एनी फूड जो मोस्टली स्वीट्स की तरफ या जंक फूड के लिए होता है। और ये क्रेविंग होती क्यों है और वो स्वीट्स की तरफ ही क्यों होती है, क्योंकि जंक फूड में भी शुगर ही होता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन रीज़न है। फर्स्ट है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सेकेंड है कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए इजीली ब्रेक डाउन होते हैं बॉडी में, बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। और थर्ड है कि जब हम शुगर इंटेक करते हैं तब ब्रेन में डोपामाइन सीक्रेट होता है, जो कि फील गुड हार्मोन होता है और जो हमें उसके लिए और एडिक्टिव बनाता है, और इसलिए हमें वो ज़्यादा बार बार खाने की इच्छा होती है। तो अभी इस फूड क्रेविंग को कम कैसे करें? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड वॉट एवर माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू 5 टिप्स टू रिड्यूस फूड क्रेविंग। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टिप। फर्स्ट है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। मतलब कि जो चीज़ों की आपको क्रेविंग है वो आप घर पे लाइए ही मत, क्योंकि अगर वो अप्रोचेबल नहीं रहेगी तो वो वैसे भी माइंड में नहीं आएगा। और ऐसी जगह पे भी मत जाइए इनिशियली, इन द स्टार्टिंग डेज, जब आपको ये आदत छुड़ानी है, आपको क्रेविंग कम करनी है, तो आप ऐसे जगह पे ही मत जाइए, ऐसे होटल्स में या ग्रॉसरी शॉप में जहां आपको वैसे फूड आइटम्स दिखे। नाउ सेकंड टिप इज अवॉइड गेटिंग एक्सट्रीमली हंग्री। देखिए, अगर हम बहुत देर तक भूखे रहे तो हमारी बॉडी क्रेव करती है, और वो क्रेव करती है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। और इंस्टेंट एनर्जी उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, मतलब स्वीट से या जंक फूड से। तो इसीलिए बहुत टाइम तक भूखे नहीं रहना है। और कभी ऐसे बहुत क्रेविंग हो भी तो भी नेचुरल फ्रूट्स, जिससे हमें नेचुरल शुगर मिले, वैसा आप प्रिफर करिए। अभी थर्ड टिप है, ईट मोर प्रोटीन। अब वो क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे एपेटाइट को कम करता है और हमारे स्टमक को बहुत टाइम तक फुल रखता है। और रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं तो 60% क्रेविंग कम होती है। अभी फोर्थ टिप है, यू हैव टू डिसाइड योर मील टाइमिंग प्री हैंड। मतलब आपको आपके मील टाइमिंग, मतलब लंच डिनर का टाइम और उसमें आप क्या खाओगे, ये आपको फिक्स करना है। इससे क्या होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या खाना है क्या नहीं। यू विल फील लेस टेम्प्टेड एज देयर विल बी नो प्लेस फॉर अनसर्टेनिटी एंड स्पॉन्टेनिटी, बिकॉज यू डोंट हैव टू थिंक वॉट टू ईट एट द फॉलोइंग मील। और फिफ्थ टिप है, डेफिनेटली विल पावर। देखिए, विल पावर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और क्रेविंग एक बिगेस्ट रीजन है जिसके कारण हम वेट लूज नहीं करते हैं। तो आपको पिक्चराइज करना है, आप खुद को पिक्चराइज करें कि 6 महीने बाद आप कैसे लगेंगे, 1 साल बाद आप कैसे दिखोगे। और वो मोटिवेशन हो सकता है उस टाइम जो 10 सेकेंड का प्लेजर आपको मिल रहा है वो शुगर खाने से, वो अवॉइड करने के लिए। तो ये मैंने जो 5 टिप्स आपको बताई हैं वो एक्चुअली इनिशियल फेज में आपको बहुत हेल्प करती है, और इनिशियली इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लेटर ऑन तो वंस योर बॉडी गेट्स हेल्दियर, इट विल क्रेव लेस फॉर शुगर एंड जंक फूड, इंस्टेड इट क्रेव्स मोर फॉर हेल्दियर फूड। सो होप दिस टिप्स हेल्प्स यू गेट रीड ऑफ योर क्रेविंग, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।